सोच जान, अगर आप एक एडिटर हैं, फोटो एडिटर मेरे जैसा छोटा मोटा गांव से बिलोंग करते हैं, तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आर्टिक्स भाई लाइफ में पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे सीबी रिटेन कुछ इस तरीके से फोटो बनाना आप लोग को सिखाने वाला है, वो भी बहुत ही कम टाइम में एक एक स्टेप के बारे में। तो वीडियो को लाइक नहीं, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो से आसान वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे कोई बताया नहीं होगा सीबी रिटेन के बारे में। एंड ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो सीबी रिटेन का मास्टर बन जाएंगे। तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ये वाला फोटो देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लैक है। एंड आप लोग का भी ब्लैक फोटो रहता है, तो सबसे पहले इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, जैसे आप लोग शेयर करते हैं तो सिंपली आप लोग यहाँ मिल जाएगा एक पेंसिल आइकन, तो सिंपली आप लोग पेंसिल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा कर्सोल ऑप्शन होगा, ठीक है, कर्सोल ऑप्शन पर चल जाएंगे। एंड सिंपली कुछ इस तरीके से ऊपर इसको आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे, एंड ऊपर एंड नीचे जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं इससे कलर मैनेज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे एक सर्कल ऑप्शन होगा, उस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डार्क ब्लू एंड ब्लैक टोन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक एक पॉइंट के बारे में, स्टेप के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग पेंसिल आइकन पर आ जाइएगा। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोग को ये वाला, ठीक है। अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे आप लोग इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका सेकंड नंबर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पे देख लीजिए। एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से, थर्ड वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से, एंड सेकंड। अगर आप लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक होगा तो आप लोग थर्ड अप्लाई कीजिएगा, अगर आप लोग का फेस नॉर्मल व्हाइट होगा, गोरा होगा, तो आप लोग सेकेंड वाला। तो मैं सिंपली यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यूज करता हूँ। सिंपली इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना, फिर से आप लोग को चले जाना होगा पेंसिल आइकन पे। सो भाई लोग, पेंसिल आइकन पे आने में सिंपली आप लोग को ट्यून इमेज पे क्लिक कर देना होगा। सो दोस्तों, ट्यून इमेज पे क्लिक करने में सिंपली इसका सेचुरेशन हल्का सा माइनस कर लेंगे हम लोग, तो 29 माइनस करके इसका एम्बिलेंस हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 22 प्लस, हाईलाइट्स को हल्का सा बढ़ा लेते हैं तो मैक्सिमम 24 प्लस, एंड शेडो को हल्का सा बढ़ा लेंगे तो 22 प्लस कर देना है, ठीक है दोस्तों। इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए, ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर। एक बार फिर से फोकस कीजिए, बिफोर एंड आफ्टर। एंड इतना करना, सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड सिंपली आप लोग देखिए ऊपर एक थ्री डॉट बिंदु होगा, ठीक है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड सिंपली यहाँ पे देख लीजिए एक पेस्ट सेटिंग होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए, यहाँ पे पेस्ट सेटिंग होगा। तो सिंपली आप लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग का फोटो वन क्लिक में कुछ इस तरीके से वन क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। अगर आप लोग को ये जानना होगा मैं कैसे वन क्लिक में किया, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। सो दोस्तों, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। एंड सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा मिक्स वाले ऑप्शन पे, सेकंड नंबर पे क्लिक करके इसका सिचुएशन हल्का सा माइनस करके 82 माइनस करके, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आप हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। एंड इसके हु हल्का सा कम कर लेंगे तो 100 माइनस कर देते हैं। एंड फोटो में क्वालिटी देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों, इतना करना, सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शेयर कर चुके हैं पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। एंड शेयर करने में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स वाला आइकन होगा, ठीक है, नीचे टूल्स वाला आइकन पे चले जाएंगे। एंड यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो दोस्तों, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, सिंपली इरेजर, ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। एंड सिंपली यहाँ फिर से आप लोग को इरेजर वाला ऑप्शन पे चले जाना होगा। एंड सिंपली इसका नीचे नहीं, ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर लेते हैं, यानी इरेज कर लेते हैं, सॉरी। इतना करना, सिंपली इसका अमाउंट, ठीक है ना, इसका अमाउंट हल्का सा आप लोग कम कर लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। तो यहाँ पे देख लीजिए 32 है, ठीक है ना, 32, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे 32 मैं अप्लाई किया हूँ। इतना करना, सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना, सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करके आ जाएंगे एड फोटो पे। सो दोस्तों, एड फोटो पे आने के बाद सिंपली आप लोग को रिसेंट पे क्लिक कर देना होगा, एंड गैलरी में आ जाना होगा, एंड एल्बम में आ जाना होगा, एंड ऑल फोटोज में आ जाना होगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा बहुत ज़्यादा मतलब फोटो शूट हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोग को एक पीएनजी मिलेगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, एंड हाँ वन क्लिक में भी बताएंगे कि कैसे आप लोग एडिट करेंगे। तो सिंपली ये वाला हम लोग पीएनजी एड कर लेते हैं, एंड कॉर्नर में एड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ऊपर साइड में, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। सो दोस्तों, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए नीचे ब्लेंड वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है, ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आकर के स्किन करके
कुछ इस तरीके से इसको आप लोग को बड़ा कर लेना होगा एंड इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, सिंपली डुप्लीकेट लेयर बना करके इसको आप लोग ऊपर एडजस्ट कर लीजिएगा। सिंपली एडजस्ट करने में सिंपली आप लोग को फिर से एडजस्ट वाला ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना होगा एंड इसका ह्यू, ठीक है, ह्यू पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना है। डन करना, देखिए फोटो में क्वालिटी दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, सिंपली फिर से एड फोटो पे आ जाना होगा, रिसेंट पे चले जाएंगे एंड गैलरी में एंड एल्बम में एंड ऑल फोटोज में, ठीक है। फिर से हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ठीक है, नीचे करते जाएंगे एंड अभी आप लोग को एक बोके पीएनजी इफेक्ट मिल जाएगा आप लोग के सामने, जो मैं आप लोग बताऊंगा उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है ना जो दोस्तों, सॉरी। तो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए बोके वाला पीएनजी कहाँ पे है, जल्दी से मिल जाओ यार भाई लोग, मतलब आप लोग का सोचता नहीं हो कि टाइम ज़्यादा लूँ, ठीक है, आप लोग का टाइम ज़्यादा मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वेस्ट करूँ, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल से सिंपल एंड आसान तरीके में सोचता हूँ कि मैं हमेशा आप लोग को एडिटिंग ट्यूटोरियल सिखा दूँ। तो यहाँ पे नीचे देखिए मिल गया है, ठीक है, बोके इफेक्ट पीएनजी। तो सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे, कॉर्नर में ऐड वाला ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करके फिर से हम लोग ब्लेंड वाला ऑप्शन एंड स्किन, ठीक है ना भाई, टाइम का पता मुझे चलता है, ठीक है ना दोस्तों, आप लोग का भी सेम इसी तरीके से होता होगा, ठीक है ना फीलिंग। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ बहुत ही कम टाइम में मैं आप लोग को एडिटिंग सिखा दूँ। तो कुछ इस तरीके से इरेज करके एंड अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एंड डुप्लीकेट लेयर बना करके ऊपर साइड में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बोके इफेक्ट पीएनजी, ठीक है ना जान। तो सिंपली देखिए कितना धांस हम लोग का फोटो में लुक आ चुका है। इतना करना, सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को सेव करके एंड फिर से आप लोग शेयर कर लीजिएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो ओरिजिनल शेयर हो चुका है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों शेयर करने में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ब्लैक को हल्का से बढ़ा लेंगे 25, व्हाइट्स को भी हल्का से बढ़ा लेंगे, शेडो को भी हल्का से बढ़ा लेंगे। सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पे आकर के मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन को सेचुरेशन का 100 माइनस कर देंगे हम लोग। फिर से आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन पे आकर के इसका लुमिनस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड सेचुरेशन को भी आप लोग को एडजस्ट कर लेना होगा। फिर से इस वाला ऑप्शन पे आकर के इसका ह्यू आप लोग अपने फोटो के हिसाब से ही एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना करना, सिंपली आप लोग को डन कर लेना है। डन करना, सिंपली देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से फोकस कीजिए, ठीक है, यहाँ पे फेस के ऊपर, ठीक है ना दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, सिंपली आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाइएगा एंड देखिए अगर आप लोग को फेस स्मूथ करना है तो, ठीक है ना जान, आसान तरीके में सिंपली क्लैरिटी को हल्का सा कम कर लेंगे, ठीक है, एंड टेक्सचर को भी हल्का सा हम लोग बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ पे डिजीज इसको भी हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिटी घट रहा है, ठीक है, सॉरी कम हो रहा है। तो डिजीज को आप लोग बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एंड देखिए क्लैरिटी को हल्का सा कम किए हैं तो हम लोग का फेस स्मूथ हो गया, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छे से। एंड इसी क्लैरिटी को हम लोग 100 करेंगे तो हम लोग का फोटो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड टेक्सचर है, ठीक है, इससे भी आप लोग देख सकते हैं टेक्सचर को माइनस करने से कितना ज़्यादा अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो जा रहा है। आशा करते हैं मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान। अगर आप लोग को मेरा प्रीसेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैं वन क्लिक में मैं अपना फोटो एडिटिंग किया, सेम यही फोटो सेम आप लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वन क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। और पीएनजी आप लोग को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को यूज करने नहीं आता प्रीसेट तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला हूँ प्रीसेट को मैं कैसे यूज करता हूँ, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।